हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक होगा स्टैंडर्ड सिग्नल, स्टैंडर्ड सिग्नल्स। स्टैंडर्ड सिग्नल्स हमारे होते हैं फर्स्ट स्टेप सिग्नल, सेकंड रैंप सिग्नल एंड देन इम्पल्स सिग्नल। तो सबसे पहला है स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? स्टेप सिग्नल को हम डिफाइन करते हैं, ये इसका एम्पलीट्यूड कुछ होगा के, इसे डिनोट करते हैं एफ, सब स्क्रिप्ट में एस ऑफ टी। ये एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारा होगा टाइम एक्सिस, वाई एक्सिस होगा एफ एस ऑफ टी। तो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हम करेंगे एफ एस ऑफ टी इक्वल टू, ये ओरिजिन है हमारा, जीरो एंड के। जीरो कहाँ पर होगा? वैन टी लेस देन जीरो। और के कहाँ से कहाँ तक होगा? वेन टी इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो। मैथमेटिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम के का वैल्यू इसमें वन ले लें, एम्पलीट्यूड जो है इसका के, इफ़ के इक्वल टू वन, तो हम इसको कहेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल। देन दिस सिग्नल इज कॉल्ड यूनिट स्टेप सिग्नल। इसको फिर डिफाइन किया जाता है यू ऑफ टी से। यू ऑफ टी इक्वल टू जीरो एंड वन व्हेन टी लेस देन जीरो एंड टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका? वन। ये टाइम एक्सिस और ये यू ऑफ टी। ठीक है, उसके बाद आता हमारा शिफ्टेड स्टेप सिग्नल। शिफ्टेड स्टेप सिग्नल में क्या होगा? इस सिग्नल को हम किसी टाइम पर शिफ्ट कर देंगे। सपोज कीजिए हम जो है इसे ए टाइम पर शिफ्ट करते हैं, तो ए टाइम पर शिफ्ट करेंगे तो ये सिग्नल किस तरह से होगा? यहाँ मान लीजिए ए टाइम पर हमने जो है इसको शिफ्ट कर दिया ये, तो इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एस टी माइनस ए। अगर इसको लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करते तो टी प्लस ए। ठीक है, ये हमारा टाइम एक्सिस, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ एस टी माइनस ए इक्वल टू जीरो। जीरो कब होगा? जब टी लेस देन ए होगा। टी लेस देन ए पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है? जीरो। और टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए पर कितना होगा? ये के, तो यहाँ लिखेंगे के। ठीक है, ये है हमारा शिफ्टेड स्टेप सिग्नल। अगर हम यहाँ पर के का वैल्यू फिर से वन ले लें तो इसको कहेंगे शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल। इसे रिप्रेजेंट करेंगे यू ऑफ टी माइनस ए से। यू ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू जीरो एंड वन व्हेन ये टाइम हमारा ए है और ये है टी। इसे रिप्रेजेंट करेंगे यू ऑफ टी माइनस ए। तो जीरो कब है? जब टी लेस देन ए। एंड वन कब होगा? जब टी ग्रेटर देन और एंड इक्वल टू ए। यहाँ पर ए पर जो है इसका एम्पलीट्यूड कितना है? वन। और ए के आगे इसका एम्पलीट्यूड कितना है? वन ही रहेगा। ठीक है, और टी जब ए से छोटा होगा उस समय एम्पलीट्यूड कितना है? जीरो। तो ये हमारा है स्टेप सिग्नल एंड यूनिट स्टेप सिग्नल। उसके बाद सेकंड आता है हमारा रैंप सिग्नल।
सेकंड है रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये है हमारा रैंप सिग्नल, ठीक है। इसको लिखते हैं के ऑफ टी, ठीक है। ये टाइम एक्सिस, ये एफ सब स्क्रिप्ट में आर एंड टी, तो मैथमेटिकली से रिप्रेजेंट किया जाता है एफ आर ऑफ टी इक्वल टू जीरो एंड के टी। जीरो कब होगा? जब लेस देन जीरो होगा, व्हेन टी लेस देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इसका कितना होगा, ये के है यहाँ पर स्लोप, के इक्वल टू टेन थीटा, ये है स्लोप, ठीक है। तो व्हेन टी ग्रेटर देन जीरो, व्हेन टी ग्रेटर देन जीरो तो कितना होगा, के इंटू टी। इसमें अगर स्लोप का वैल्यू हम वन ले लें, के का वैल्यू वन ले लें, इफ़ के इक्वल टू वन, तो हम इसे कहेंगे यूनिट रैंप सिग्नल, देन दिस सिग्नल इज कॉल्ड यूनिट रैंप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आर ऑफ टी से, आर ऑफ टी इक्वल टू जीरो एंड टी। व्हेन टी लेस देन और इक्वल टू जीरो एंड टी ग्रेटर देन जीरो पर कितना है टी। ये लाइन की इक्वेशन है, जब कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है और उसका स्लोप वन है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स होता है इक्वेशन, वाई इक्वल टू एम एक्स, एक्स की जगह हमारा टी, टी है और एम कितना है वन, और वाई क्या है, ये आर ऑफ टी, तो ये हो गया आर टी इक्वल टू टी, यहाँ आर टी इक्वल टू टी, ठीक है। यहाँ है स्लोप का वैल्यू के इक्वल टू वन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आर टी इक्वल टू टी। इसके बाद है शिफ्टेड, शिफ्टेड रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल। शिफ्टेड रैंप सिग्नल में क्या होगा, इसे किसी टाइम पर शिफ्ट कर दिया जाता है। सपोज करो हमने इसे ए टाइम पर शिफ्ट कर दिया, ये टाइम एक्सिस, ये है हमारा एफ और एफ आर टी माइनस ए, तो इसे मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ आर टी माइनस ए इक्वल टू जीरो। जीरो कब होगा, व्हेन टी लेस देन और इक्वल टू ए, यहाँ पर जीरो, उसके बाद कितना होगा, ये के ऑफ टी माइनस ए, व्हेन टी ग्रेटर देन जीरो। टी ग्रेटर देन जीरो पर ये क्या होगा, के टी माइनस ए, के टी माइनस ए, और उससे पहले कितना होगा, जीरो। सिमिलरली इसी तरह से, सिमिलरली के इक्वल टू हम वन ले लेंगे, तो इसको कहेंगे शिफ्टेड, शिफ्टेड यूनिट रैंप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल। रिप्रेजेंट करेंगे से आर ऑफ टी माइनस ए से इक्वल टू जीरो एंड टी माइनस ए, व्हेन टी लेस देन और इक्वल टू ए एंड टी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये हमारा ए टाइम पीरियड, ये टाइम एक्सिस, ये वाई एक्सिस को लिखेंगे आर टी माइनस ए। उसके बाद ये हो गया हमारा शिफ्टेड स्टेप, शिफ्टेड यूनिट रैंप हो गया, शिफ्टेड रैंप हो गया, यूनिट रैंप हो गया, रैंप हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इम्पल्स सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल में क्या होता है, जो इम्पल्स होता है उस वो केवल ओरिजिन जीरो पर लाई करता है, ठीक है। इसका एरिया होता है ए, ए इज द
एरिया ऑफ इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल तो इसे डिफाइन करते हैं एफ डेल्टा से। एफ ऑफ डेल्टा टी इक्वल टू जीरो एंड ए। जीरो का होगा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब टी का वैल्यू जीरो नहीं होगा उस समय इसका एरिया कितना होगा जीरो। व्हेन टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर एरिया कितना होगा इसका ए। ठीक है, अगर ए का वैल्यू वन होगा, इफ ए इक्वल टू वन, तो हम इसे कहेंगे यूनिट इम्पल्स सिग्नल। यूनिट इम्पल्स सिग्नल तो इसे डिफाइन करेंगे डेल टी से। डेल टी इक्वल टू जीरो एंड वन, टी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू जीरो। वन, ठीक है, ये है हमारा डेल्टा टी, ये हमारा टाइम एक्सिस। उसके बाद आ जाता है शिफ्टेड शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल तो शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल में क्या है, इसको शिफ्ट कर देंगे किसी टाइम पीरियड पर। सपोज कीजिए हमने इसे शिफ्ट कर दिया, ए टाइम पीरियड से शिफ्ट कर दिया। तो अब इसका डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे, एफ ऑफ डेल एफ डेल्टा टी माइनस ए इक्वल टू जीरो एंड इसका कितना है एरिया ए, तो एन ए। तो जीरो कहाँ होगा, व्हेन टी टी इक्वल इज नॉट इक्वल टू ए एंड टी इक्वल टू ए। जब टी हमारा ए पर कितना वैल्यू है इसका ए है, ए टी इक्वल टू ए, तो इसका एरिया कितना है ए है, और इधर उधर इसका एरिया जीरो है। ठीक है, अगर हम इसमें फिर से ए का वैल्यू, इफ ए इक्वल टू वन ले लें, ए इक्वल टू वन ले लें, तो इसे कहेंगे शिफ्टेड शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे डेल टी माइनस ए इक्वल टू जीरो एंड वन, व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू ए एंड व्हेन टी इक्वल टू ए। ए इसका एरिया कितना होगा वन, इसे लिखेंगे डेल टी माइनस ए। ठीक है, एरिया कितना है इसका, यहाँ हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल टी डी टी इक्वल टू वन। एरिया ऑफ इम्पल्स सिग्नल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल टी डी टी इक्वल टू वन। इसका एग्जांपल है, जैसे ये हमारा स्टेप सिग्नल था, स्टेप सिग्नल का हमारा एग्जांपल है बैटरी। एग्जांपल है क्या, बैटरी, बी ए डबल टी ई आर वाई, बैटरी। ठीक है, इसका एग्जांपल यूनिट रैंप, ये रैंप सिग्नल का इस एग्जांपल है मूविंग ए कार एट मूविंग ए कार ऑन रोड एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका एग्जांपल है मूविंग ए कार, मूविंग ए कार ऑन रोड एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कोई जो कार है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इसका एग्जांपल है। तीसरा इम्पल्स सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल का एग्जांपल है जो हमारा क्लाउड होता है, क्लाउड आपस में क्या होता है टकराते हैं, तो क्या होता है एक लाइटिंग होता है। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड कितना होता है, बहुत स्मॉल होता है, नैनो सेकंड में होता है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है लाइटिंग, क्लाउड लाइटिंग।
बहुत कम ड्यूरेशन पर, बहुत कम ड्यूरेशन पर क्या होता है, बहुत हाई इम्पल्स होता है, लाइटिंग होता है, तो ये इसका एग्जांपल है इम्पल्स रैम का। उसके बाद हमारा कुछ अदर सिग्नल हैं, अदर बेसिक सिग्नल। इससे पहले मैं आपको इन तीनों के बारे में, स्टेप, रैंप और इम्पल्स में क्या रिलेशनशिप होता है वो बता दूं। इन तीनों में रिलेशनशिप होता है, यही बता देते हैं, यहाँ रिलेशन बिटवीन स्टेप, रैंप एंड इम्पल्स सिग्नल, ठीक है, इन तीनों में रिलेशन। तो अगर हम डेरिवेटिव करें स्टेप सिग्नल का, डी ऑफ डी टी ऑफ एफ एस ऑफ टी, तो वो हमारा होता है डेल्टा सिग्नल, एफ डेल टी, ठीक है। और अगर हम इसका डेरिवेटिव करें रैंप का, डी अपॉन डी टी एफ आर टी, ठीक है, तो वो हमारा होता है स्टेप सिग्नल, एफ एस ऑफ टी, ठीक है। या फिर इसका इंटीग्रेशन कर दें, डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आएगा, स्टेप सिग्नल, और स्टेप सिग्नल का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आएगा, रैंप सिग्नल। ये इन दोनों में रिलेशन है। एक और हमारे पास सिग्नल होता है जिसे कहते हैं डबलेट सिग्नल, अदर बेसिक सिग्नल में एक सिग्नल है हमारे पास डबलेट सिग्नल क्या होता है, इसका जो एरिया है ओरिजिन पर प्लस इन्फिनिटी और नेगेटिव साइड में माइनस इन्फिनिटी, तो इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे। ये डेरिवेटिव होता है डी अपॉन डी टी, अगर डेल्टा सिग्नल का डेरिवेटिव कर दें, तो हमें मिलता है डबलेट सिग्नल, जिसे डिनोट करते हैं डेल डैश टी से। तो इसे मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन करेंगे, इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी वैन टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो पर इसका वैल्यू कितना है, प्लस इन्फिनिटी, और इधर यहाँ नीचे कितना है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, अदरवाइज जीरो अदरवाइज, और इधर उधर कितना होगा इसका वैल्यू, जीरो अदरवाइज, ठीक है। तो हम यहाँ पे, हमने जो यहाँ रिलेशनशिप निकाला था, हम यहाँ पे फिर कह भी सकते हैं डी अपॉन डी टी डेल टी का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो वो आता है डबलेट सिग्नल, एफ डेल्टस टी, ठीक है। ये यूनिट के टर्म में कितना, किस तरह से लिखेंगे हम इसे, यूनिट के टर्म में डी अपॉन डी टी यू ऑफ टी इक्वल टू डेल टी, और डी अपॉन डी टी आर ऑफ टी इक्वल टू डेरिवेटिव इसका कितना, यूनिट स्टेप यू टी, और डी अपॉन डी टी डेल टी इक्वल टू डेल डस टी, ठीक है। या फिर इधर से डेरिवेटिव या फिर इधर से इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम अदर बेसिक सिग्नल की बात कर रहे थे, तो पहला था डबलेट सिग्नल, सेकंड है गेट सिग्नल हमारा कौन सा होता है, इसे हम कहते हैं गेट सिग्नल।
इसे कहते हैं गेट सिग्नल। और इसे डिफाइन किया जाता है कैपिटल जी, ये जीरो, ये मान लीजिए ए है, जीरो कोमा ए ब्रैकेट में टी, जीरो कोमा ए ऑफ टी, ये टाइम एक्सिस। इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए है के, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे जी जीरो कोमा ए टी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड इसका, ये यहाँ से यहाँ तक क्या यू टी यू ऑफ टी माइनस यहाँ से यहाँ तक यू ऑफ टी माइनस ए, ठीक है। अगर के का वैल्यू वन ले लें तो इसे हम, इफ के का वैल्यू हम वन ले लें तो के इक्वल टू वन, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, जी जीरो कोमा ए इंटू टी इक्वल टू यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस ए। देखिए किस तरह से गेट सिग्नल हम बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा है कि यू टी सिग्नल है, ये है हमारा यू ऑफ टी सिग्नल है, यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है, ये हमारा टाइम एक्सिस। और एक दूसरा हमने सिग्नल लिया है शिफ्टेड यूनिट सिग्नल, शिफ्टेड यूनिट सिग्नल, शिफ्ट हमने इसको किया है ए से, तो ये हमारा दूसरा वाला सिग्नल है शिफ्टेड यू ऑफ टी माइनस ए, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, इस वाले सिग्नल से, ये जो ये वाला सिग्नल है, इस सिग्नल से ये वाला सिग्नल सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला सिग्नल सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए ए से पहले इसका एम्पलीट्यूड कितना है जीरो, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है वन, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड है वन और इसका एम्पलीट्यूड है जीरो, तो इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, वन माइनस जीरो वन आएगा, कहाँ तक, ए तक, ठीक है। यहाँ पर ए है तो यहाँ से यहाँ तक जो है वन माइनस जीरो वन आया, ये वन, उसके बाद यहाँ पर कितना इसका एम्पलीट्यूड है वन, और यहाँ इसका एम्पलीट्यूड है वन, तो वन माइनस वन कितना हुआ जीरो, तो इधर का ये सारा पोर्शन क्या हो गया, वन माइनस वन जीरो, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना हुआ जीरो जीरो जीरो, ये कुछ भी नहीं बचा, केवल इससे पहले, इससे पहले एम्पलीट्यूड कितना है वन, वो बचेगा। तो ये हो गया हमारा गेट सिग्नल। इसे हम लिखेंगे यू ऑफ टी, यहाँ पर लिखेंगे यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस ए, ठीक है। इसी तरह देखिए एक और देखिए शिफ्टेड गेट सिग्नल, ये देख लीजिए दोबारा, ठीक है, जीरो और ये है ए, ठीक है। उसके बाद जो है शिफ्टेड गेट सिग्नल, शिफ्टेड शिफ्टेड गेट सिग्नल, शिफ्टेड गेट सिग्नल में हमने इसे शिफ्ट कर दिया, मान लीजिए ये हमारा ए है और ये है बी, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड मान लीजिए के मान लिया। अब हम इसे कितना लिखेंगे, जी बी कोमा ए और ये ऑफ टी, तो इसे किस तरह से लिखेंगे, जी बी कोमा ए ऑफ टी इक्वल टू यहाँ से अंत तक ये क्या है यू टी माइनस बी माइनस ऑफ यू टी माइनस ए, हाँ। तो हम कर रहे थे इस गेट का इक्वेशन लिख रहे थे यू टी माइनस बी माइनस यू ऑफ टी माइनस ए, तो किस तरह से हम लिखेंगे, एक हमने शिफ्टेड गेट सिग्नल बनाया, शिफ्टेड कहाँ से होगा बी से, ठीक है, इसे हम लिखेंगे इसका एम्पलीट्यूड कितना है वन, ठीक है। तो यू ऑफ टी माइनस बी इसको लिखेंगे, बी से ये स्टार्ट है। दूसरा हमने सिग्नल बनाया जो ए से स्टार्ट है, शिफ्टेड यूनिट स्टेप है, ये यूनिट क्यों है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड वन है, अगर इसका एम्पलीट्यूड अदर देन वन होता तो हम इसे शिफ्टेड स्टेप सिग्नल कहते हैं, ये है बी से स्टार्ट। तो अब हम इसको लिखेंगे हम यू ऑफ टी माइनस, सॉरी बी ये है, ये ए से स्टार्ट, ए से, तो इसे लिखेंगे टी माइनस ए। तो अब जो है इस सिग्नल को, इस सिग्नल को इस सिग्नल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए बी से पहले
इसका एम्पलीट्यूड कितना है जीरो, और ए से पहले इसका एम्पलीट्यूड कितना है जीरो, बी से ए तक इसका एम्पलीट्यूड वन है, आगे भी वन ही है इसका एम्पलीट्यूड। तो इस वन में से ये यहाँ एम्पलीट्यूड कितना है जीरो, वन में से जीरो घटाएंगे तो वन आएगा, ये कहाँ तक वन आएगा ए तक, ये ए है यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा वन, ठीक है। उसके बाद ये वन है, ये वन है, वन में से वन गया जीरो, एम्पलीट्यूड जीरो, इस कहाँ पे यहाँ से लेके लास्ट तक हमारा एम्पलीट्यूड कितना होगा जीरो। तो सिग्नल किस तरह से बनेगा, ये गेट सिग्नल बनेगा, ये कितना होगा बी और ये ए। देखिए दोबारा देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड है वन, ठीक है, बी से ग्रेटर देन पर इसका एम्पलीट्यूड है वन, यहाँ पर ए से ग्रेटर देन पर है इसका एम्पलीट्यूड वन। तो यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड कितना है वन, वन में से यहाँ एम्पलीट्यूड कितना है जीरो, वन में से जीरो घटाएंगे तो कितना आएगा वन। तो यहाँ से यहाँ तक कितना एम्पलीट्यूड हुआ वन, उसके बाद यहाँ पर एम्पलीट्यूड वन, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड वन, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1-1 इक्वल टू जीरो, ये एम्पलीट्यूड कितना हुआ जीरो। तो ये गेट सिग्नल किस तरह से बनता है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, इस तरह से बनता है, इसको लिखेंगे यू ऑफ टी माइनस बी माइनस ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए, या जी बी कोमा ए ऑफ टी, ठीक है। इसके बाद हमारे हम सिग्नल को लिखेंगे यूनिट स्टेप के टर्म में। तो जैसे मान लीजिए सिग्नल है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, ये सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड मान लिया के है, ठीक है, ये सिग्नल है। तो इस सिग्नल को यहाँ पर हमने ले लिया टाइम, ले लिया वन, ठीक है, ये हमारा है टी, ये है एफ ऑफ टी। तो इस सिग्नल को हम किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए एक हमारे पास सिग्नल है ये गेट सिग्नल, ठीक है, दूसरा सिग्नल है ये रैंप सिग्नल, ठीक है। तो इस सिग्नल का अगर गेट सिग्नल में मल्टीप्लाई कर दें, दो हमारे पास सिग्नल है, इस सिग्नल का एक सिग्नल तो ये है, एक हमारा ये गेट सिग्नल है, इस सिग्नल का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टेंट आता है ओवरलैप एरिया। तो ओवरलैप एरिया कितना होगा, ये वाला ना, इस लाइन को उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये वाला एरिया होगा। तो हमने पहले सबसे पहले लाइन का इक्वेशन लिख लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स। तो m कितना होता है y अपॉन x, y कितना है हमारा ये y, k अपॉन x कितना है 1, ठीक है, इंटू ये x, ये होता है ना y इक्वल टू एम एक्स, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, ओरिजिन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y इक्वल टू एम एक्स। तो m कितना होता है tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, ये मान लो थीटा है, y अपॉन x, यानी कितना है वो k अपॉन 1, और x की जगह क्या है ये t है, टाइम एक्सिस है, तो यहाँ लिखेंगे t, वही हमने लिखा है k इंटू टी, ये अपॉन वन। तो ये हो गया लाइन का इक्वेशन, और इस गेट का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ गेट, गेट लिखो यहाँ, गेट क्या है 0,1 लिखेंगे, 0,1 ऑफ टी इक्वल टू कितना आएगा के टाइम्स ऑफ यू टी, यू ऑफ टी माइनस ये कितना है 1, यू ऑफ टी माइनस 1। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, यू टी माइनस वन और के टी, यू टी माइनस यू टी, ये गेट जो है यू टी माइनस वन, अगर इसका एम्पलीट्यूड वन है तो ये हो जाएगा वन, ठीक है। एक बार हमने के ले लिया है इसलिए हम दो दो बार इस एम्पलीट्यूड को नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ये के ले लिया है, तो एक तो हो गया हमारा यू टी माइनस वन, और एक है हमारा के k इंटू टी सिंपली। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ये पूरा ये इस ये जो सिग्नल है इसका इक्वेशन आ जाएगा, तो इसका इक्वेशन कितना आ जाएगा k इंटू टी ब्रैकेट में u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 1, इसे लिखेंगे f ऑफ t,
ठीक है, एफ ऑफ टी इक्वल टू यू टी माइनस वन इंटू, ये लाइन का इक्वेशन हो गया, ये हमारा गेट का इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये आंसर है। एक हम दूसरा ले लेते हैं, शिफ्टेड ये वाला सिग्नल ले लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं इसको, वन से कर लेते हैं, ये वन है और ये है ये टू, ये हमने ले लिया के एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये है एफ ऑफ टी, ठीक है, इसका इक्वेशन लिखेंगे, ये है हमारा टाइम एक्सिस। तो इसमें भी एक ये लाइन है, ठीक है, और एक है गेट, गेट बना लेते हैं इसका, यहाँ से उठा लेते हैं, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, ये है हमारा वन और दूसरा इसका पॉइंट कितना होगा जीरो, ये कितना होगा टू कोमा के। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जो टू पॉइंट से पास होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। तो इसे मान लीजिए x1 y1, ठीक है, ये मान लीजिए x2 कोमा y2। तो y माइनस जीरो इक्वल टू y2 कितना है k माइनस y1 कितना है जीरो अपॉन x2 कितना है टू माइनस x1 कितना है वन और x x की जगह क्या है हमारा t, t माइनस x1 कितना है वन, ठीक है। तो ये y की जगह कितना आ जाएगा f1 कह लीजिए इसको, f1 t इक्वल टू k अपॉन टू t माइनस वन, सॉरी टू माइनस वन कितना हो गया टू माइनस वन वन हो गया, के इंटू टी के इंटू टी माइनस वन। तो और गेट कितना है हमारा, गेट जी कोमा ये कितना है वन और टू, वन कोमा टू इंटू टी इक्वल टू, इस गेट के इक्वेशन को कितना लिखेंगे, यू ऑफ टी माइनस वन माइनस ऑफ यू ऑफ टी माइनस टू। तो हमने बताया था कि इस सिग्नल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जो लाइन की इक्वेशन है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, गेट के इक्वेशन में। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू के टी माइनस वन और ये गेट का यू ऑफ टी माइनस वन माइनस ऑफ यू ऑफ टी माइनस टू, ठीक है। एक और देख लेते हैं, थर्ड नंबर ये, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा है ए और ये है इसका एम्पलीट्यूड के एफ ऑफ टी। इसे हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से हम लिखेंगे, तो ये देखिए दो सिग्नल में ब्रेकअप है, एक तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और एक यहाँ से यहाँ तक। तो पहले हम इस लाइन की इक्वेशन लेंगे, इस लाइन की इक्वेशन उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस गेट में, तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी आएगी, एफ वन टी इक्वल टू वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स, एम कितना होगा के अपॉन ए वाई अपॉन ए, ठीक है, इंटू टी। तो ये तो हो गया हमारा लाइन का इक्वेशन, और गेट का इक्वेशन इस वाले गेट का, यहाँ से यहाँ तक जो गेट है, इस गेट का इक्वेशन कितना होगा, गेट कितना जीरो कोमा ए ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस ए, यू ऑफ टी ए माइनस यू ऑफ टी माइनस ए, ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का तो हमें पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद फिर दूसरा सिग्नल है, इसे हमने मान लिया एफ वन टी है, ये हमारा एफ वन टी है, और ये जो है इसे मान लिया एफ टू टी। तो ये वाला सिग्नल कितना होगा दूसरा, यू ऑफ टी माइनस ए, पहले इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक वाले सिग्नल के लिए, के अपॉन ए इंटू टी यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस ए, फिर प्लस करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक का हमारा ये हो गया, उसका फिर प्लस करेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, प्लस यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या है, शिफ्टेड गेट, शिफ्टेड स्टेप सिग्नल है ये, तो शिफ्टेड स्टेप सिग्नल कितना मैंने बताया था, यू ऑफ टी माइनस ए, ठीक है, ये है एफ ऑफ टी, ये इसका रिजल्ट है, ये आंसर।